हे गाइस, आई एम शिव और वेलकम बैक टू अवर चैनल शिव अनु। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसे कि मैंने दो वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, गे रिलेटेड, मोटिवेशनल रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों की लिंक दूंगा। आप प्लीज़ जाके वहाँ पर ज़रूर चेक कीजिए। सो गाइस, मैं अभी मतलब मैंने तो बोला था कि मैं एक दिन में दो वीडियो डालूंगा, बट जैसे कि बताया कि अभी रिसेंटली मेरा भी जॉब स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से मुझे मतलब दोनों वीडियो मतलब सब कुछ, क्योंकि अगर वीडियो बनाते हम तो सब कुछ वीडियो बना के ही नहीं होता, उसके ऊपर एडिटिंग वगैरह सब कुछ फोकस करना पड़ता है। सो इस वजह से मैं एक दिन मोटिवेशनल वीडियो, एक दिन मेरे पास्ट की वीडियो, ऐसे करके वीडियो बनाता जाऊँगा और आप भी ज़रूर देखना। सो गाइज, आज का मेन मोटिवेशनल टॉपिक है, गे फील्ड में हमें किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हमें किस किस बातों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस किस बातों पे सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहिए, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आप हमारे चैनल के, हमारे फैमिली के हिस्सा नहीं बने हो, तो देर किस बात की, आप प्लीज़ ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए और साथ ही साथ हमारी LGBT को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सो गाइज, बढ़ते हैं हमारे आज टॉपिक की तरफ, जो है गे फील्ड में हम किस किस बातों का, किन किन बातों का ध्यान रखें। सो उसमें मैं पॉइंट वाइज आपको बताता जाऊँगा और उसका एक्सप्लेनेशन दूँगा। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कि आप मतलब रियलिटी। सो गाइज, सपोज अगर एक्स वाई मतलब ए पर्सन है और बी पर्सन है, ए पर्सन को पता है वो क्या है, बी पर्सन को कन्फ्यूजन है। इस मामले में ना क्या होता है, ए पर्सन तो अपनी लाइफ जीता है बट बी पर्सन वही का वही रहता है। सो गाइज, आप इस बातों का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर सच में आप गे फील्ड में आती हो या फिर LGBT से अगर बिलोंग करते हो, तो सबसे पहले कि आप क्या हो, आपके बारे में, खुद के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि गे फील्ड में ऐसा नहीं होता, अगर आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तब आपको दुनिया एक्सेप्ट करेगी, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखें और अपनी रियलिटी जानने की ज़रूर कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ जब आप खुद रियलिटी जानने लगते हो या फिर रियलिटी के जानने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते जाते हो, तो उस बीच में आप मतलब उस वहाँ पर आपको डर लगने लगता है या फिर आप कंफ्यूज होते हो या फिर आप मतलब डर के चुप बैठते हो, तो ये बिल्कुल गलत है गाइज। आप डट के सामना कीजिए और साथ ही साथ खुद को एक्सेप्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए, इनफैक्ट रियलिटी जानने की ज़रूर कोशिश कीजिए। सो गाइज, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा सेकेंड पॉइंट, वॉट इज मीन बाई LGBT। गाइज, कुछ लोग तो गे होते, ठीक है, उनको ये भी बात पता है, क्लियर है माइंड में कि हाँ मैं गे हूँ, बट अभी भी उनके दिमाग में ये बात मतलब नहीं क्लियर कि LGBT आखिर क्या है, LGBT का मीनिंग क्या है, LGBT कम्युनिटी आखिर कम्युनिटी जो है वो किस बेस पे है, किन लोगों के लिए। ये जो पॉइंट है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। सो गाइज, आप LGBT का, अगर आपके LGBT के बारे में अगर आपको पता नहीं है, सो गाइज देखो, LGBT में फर्स्ट आता है L, तो L का मीनिंग होता है लेस्बियन। लेस्बियन मतलब वो होता है जो एक फीमेल और फीमेल दोनों में एक लव होता है और उनका रिलेशन स्टार्ट होता है, वो आता है L में, मतलब लेस्बियन कैटेगरी में। जी में ऑब्वियसली गे कैटेगरी आती है, जहाँ पर एक मेल मतलब एक बॉय टू बॉय लव होकर वो रिलेशन बढ़ाते, वो आता है गे कैटेगरी में। उसके बाद आता है बी, बी कैटेगरी में आता है बायोसेक्शुअल। अब बायोसेक्शुअल में मतलब ऐसा होता है कि बायोसेक्शुअल पर्सन एक होता है जिसको दोनों तरफ से अट्रैक्शन होता है, सो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि बायोसेक्सुअल के पास ऑप्शन मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है। सो उसके ऊपर डिपेंडेड होता है कि वो किसको चुनेगा या फिर किसके साथ अपना पूरी लाइफ स्पेंड करेगा। और लास्ट कैटेगरी में आता है टी, मतलब ट्रांसजेंडर, जो एक किन्नर होता है या फिर ऑब्वियसली आप सभी को पता है ट्रांसजेंडर। सो
उसकी एक ट्रांसजेंडर की कैटेगरी होती है। तो इस तरीके से फाइव कैटेगरी होती है, फोर कैटेगरी होती है, LGBT, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। सो गाइज, आई होप सो आपको सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, फ्यूचर प्रिपरेशन। फ्यूचर प्रिपरेशन मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ठीक है गे क्या है खुद के बारे में पता चला, LGBT क्या है ये भी पता चला, बट फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर के मामले में पूरा ज़ीरो है। सो गाइज, फ्यूचर प्लानिंग अगर बोला जाए तो आप बोलोगे कि फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है इसमें। गाइज, मैं ये करियर की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ये हमारे खुद की लाइफ और करियर इन दोनों में डिफरेंट है। लाइफ वो होती है जो हम डेली जीते हैं, और करियर वो होता है कि हमारे जीने के लिए कुछ एक इनकमिंग स्रोत, या फिर एक बोलते हैं ना एक मतलब ज़िंदगी चलने के लिए, या फिर पैसा वगैरह, इन सब के लिए करियर होता है। सो ये दोनों कैटेगरी अलग अलग हैं, लाइफ एंड करियर। सो गाइस, मतलब फ्यूचर एंड करियर, लाइफ फ्यूचर एंड करियर। सो गाइस, लाइफ फ्यूचर में अगर देखा जाए तो गाइस बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मतलब शायद उनमें से मैं भी हूँ। क्या होता है, फ्यूचर की हम प्रिपरेशन तब करते हैं जब शायद बहुत देर होती है। मैं जानता हूँ कि आपको लोगों के सामने या फिर लोगों को फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट आता है, सो ये बात जानता हूँ मैं। बट गाइज, जब तक आप अपने दिल की बात उनके सामने नहीं रखोगे, उनको कैसे पता चलेगा। कुछ लोगों को ये भी सवाल होता है मन में कि हमारा फ्यूचर प्लानिंग, तो उसमें घर भी आ गया, घर वालों को कैसे बताएं हम। तो गाइज, घर वालों को बताने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है पता है, फर्स्ट स्टेप में आता है कि खुद को एक्सेप्ट करना, और सेकंड स्टेप में आता है कि आप उनको एक हिंट देते रहो। सपोज आप एक खुद को समझ गए कि हाँ मैं क्या हूँ, उसके बाद अपने घर वालों का एक माइंड देखो कि वो किस डायरेक्शन में सोचते हैं, या फिर उनका सोचने का या फिर देखने का नज़रिया क्या है, ये देखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब आप वो देखोगे, उसकी उसके बाद आप उस टाइप में उन्हें हिंट देना शुरू करो, और जैसे 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 आप हिंट देने लगोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ पर आपको पूरा क्लियर, पूरा ओपन होना पड़ेगा। उस टाइम पे आप ज़रूर पूरा हिम्मत से, पूरा कॉन्फिडेंस से आप उस सिचुएशन का सामना कीजिए, और आने वाला फ्यूचर प्लानिंग आपका डिसाइड कीजिए। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट की तरफ जो है, फ्यूचर के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। गाइस, एक बात मन में अच्छे से ठान लो, अगर आप LGBT कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हो, या फिर LGBT कम्युनिटी में आते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक बात दिमाग में बिठा लेनी है कि आपको इस लाइफ में संघर्ष करना होगा, खुद के हक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि हमारा नॉर्मल रिलेशन नहीं है बिल्कुल। ये बात आप भी जानते हो, अगर आप अपने घर वालों के सामने अगर डायरेक्टली बोलोगे ये बात कि हाँ पापा या फिर मम्मी मैं गे हूँ, पहली बात कि उन लोगों को गे का मतलब ही नहीं पता। सो गाइस, एक्सेप्ट करने की बात वो बहुत दूर की है, क्योंकि उनको गे का मतलब भी पता नहीं है। तो आप उनको जब बोलोगे कि पापा मम्मी मैं गे हूँ, वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे, बेटा गे का मतलब क्या है, मतलब आपके सामने फिर क्वेश्चन आएगा। सो इससे पहले आप उन्हें गे का मतलब एक ऐसा हिंट दो, या फिर हिंट देने के लिए कोई भी आप रीज़न चुन सकते हो, उन्हें एक कुछ मतलब शॉर्ट फिल्म दिखाओ, या फिर उन्हें कुछ मतलब ऐसा ही झोलमाल करके कुछ ऐसा न्यूज़ बताओ, या फिर ऐसे कुछ बताओ कि जिससे उन्हें मतलब ये बात उनको समझ में आ जाए कि गे का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर आप उन्हें ये बात नहीं बताएंगे तो मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल पेरेंट्स तो यही करते हैं कि हाँ मेरे बेटे पे किसने मतलब वशीकरण किया है, करने की, या फिर उसका मेंटली प्रॉब्लम है। सो इस मामले में मतलब इस कैटेगरी में आपको वो डाल देंगे। सो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ये ना हो, सो तो प्लीज़ गाइज, आप उन्हें एक धीरे 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 करके हिंट देने लगे, और जैसे जैसे आपके वो हिंट लेने पे वो स्ट्रांग होते जाएंगे,
बाद में आप उसकी जो एक पावर है वो बढ़ाते जाइए, और फिर बाद में फिर से वही कि आप लास्ट स्टेज पे आप खुद के बारे में पूरा डिटेल बताइए कि आप क्या हो, आपकी फीलिंग क्या है, आपका अट्रैक्शन क्या है, आप किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो। सो गाइज ये हो गया हमारा अब हम बढ़ते फोर्थ हैं हमारा हमारा फिफ्थ पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सोशल मीडिया। सो गाइज सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे ऐप गे डेटिंग ऐप आ चुके हैं, उसमें मैंने पहले भी बताया कि कौन से ऐप है, ग्राइंडर एक्सेट्रा। सो गाइज सोशल मीडिया से पहले बचिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ लोग इसलिए एक्टिव रहते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद हमें हमारा जीवन साथी इस फील्ड में मिल जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं, यहाँ मिलता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलता, मिलता है, बट वो बहुत मिनिमम केस में होता है। अगर 100 में से सिर्फ 5% या फिर 5 में से भी कम पर्सन के लोगों को वो लाइफ पार्टनर मिलता है, वरना अदर पर्सन पूरे सिर्फ दो चीज़ों के लिए रहते हैं, या तो फ्रेंडशिप या तो सेक्सशिप, मतलब सेक्स रिलेशनशिप। सो इन दोनों के लिए ही ज़्यादातर वो वहाँ पर एक्टिव रहते हैं, रिलेशनशिप के लिए ज़्यादातर कोई आगे नहीं आता। सो गाइज इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो एक मतलब बहुत सोच समझ के किसी से, अगर आप डेटिंग का भी प्लानिंग करते हो तो सोच समझ कर वो डेटिंग का प्लानिंग कीजिए, और उसके बारे में पहले जानने की कोशिश कीजिए कि वो हमारे जो जिसके साथ हम डेट करने वाले हो वो आखिर कैसा है। सो ये हो गया गाइज हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं हमारा सिक्स पॉइंट के ऊपर जो है ब्यूटी इन फेस। गाइज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि रिलेशनशिप का मतलब उनको लगता है कि एक ब्यूटी, मतलब अगर सपोज एक लड़का है, उसको अगर उसके माइंड में उसने कोई प्रिंस चार्मिंग ड्रॉ किया होगा और सेम उसी भी ड्राइंग की तरह, मतलब ड्राइंग के एज अ सेम कोई उसके सामने आएगा, मतलब इसी फील्ड का, तो वो उसको अपना दिल दे बैठता है, बट उसकी तरफ से तो ज़ीरो उसको वैल्यू होती है उस इंसान को। तो गाइज पहली बात, आप अगर इस फील्ड में आते हो तो ब्यूटी देखना बंद कीजिए, क्योंकि अगर हम किसी की ब्यूटी देखते हैं, ब्यूटी अगर आपको देखनी है या फिर अगर आपको सुंदरता देखनी है ना, तो आप उसके दिल की देखिए, आप उसकी फेस की ना देखिए, क्योंकि फेस की ब्यूटी या फिर बॉडी की फिजिकल ब्यूटी जो होती है वो कुछ मिनट की या फिर कुछ घंटे की या फिर कुछ टाइम की होती है, जिसका एक परमानेंटली टाइम नहीं होता, बट जो मन की ब्यूटी ही होती है वो परमानेंटली होती है, क्योंकि उसमें कोई कपट नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, कोई मतभेद नहीं होता, बट ब्यूटी फेस की होती है वो, उसमें तो पूरा मतलब लालच फ्रॉड सब कुछ भरा पड़ा है। और ब्यूटी का क्या है, अगर सपोज अगर आपका एक्सीडेंटली, भगवान ना करे, अगर आपका फेस कितना ही अच्छा हो, अगर एक्सीडेंटली वो डैमेज हो जाता है, आपकी तरफ कुत्ता भी नहीं नजर देगा फिरेगा। तो इसलिए गाइस अगर आप इस फील्ड में आते हो, अगर आपको ऐसा कोई पार्टनर भी मिलता है, भले आप बहुत सुंदर हो, अगर आपको ऐसा पार्टनर मिलता है जो दिल से बहुत अच्छा है, बहुत साफ है और आपसे बहुत प्यार करता है, पर दिखने में कमज़ोर है या फिर दिखने में कम है, तो उसको अवॉइड मत कीजिए, उसको चांस ज़रूर दीजिए, उसको अपने मतलब उसका अपना प्यार जाहिर करने के लिए, या फिर उसको एक चांस ज़रूर दीजिए। सो गाइज बढ़ते हैं हमारा लास्ट रियल लाइफ पार्टनर। सो जैसे कि मैंने सिक्स पॉइंट में बताया कि ब्यूटी एंड फेस, सो गाइज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अगर रियल पार्टनर भी देखते हो तो वही आप फेस को ज़्यादा, ठीक मैं मानता हूँ कि फेस मायने रखता है, बट हाँ मतलब ज़रूरी नहीं कि हर किसी को एक प्रिंस चार्मिंग ही मिले, किसी को एक मतलब कम सुंदर दिखने वाला भी मिल सकता है, बट शायद वही सर आपको बहुत आगे भी ले जा सकता है। सो गाइज प्लीज़ आप ब्यूटी भी मत देखिए, और साथ ही साथ गाइज रियल लाइफ पार्टनर अगर आप ढूंढ रहे हो तो सोशल मीडिया, मतलब बहुत सारे लोगों की एक गलत फहमी रहती है कि हमें अगर सोशल मीडिया मतलब फेसबुक हो गया या फिर ग्राइंडर हो गया या फिर ब्लूड हो गया, यहाँ पर हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, या फिर हम स्टेटस पे कुछ डालते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद भी की है, इसलिए मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि गाइस प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे भले आपने कितना ही अपना बायो लिख दिया कि मुझे एक अच्छा खूबसूरत सा बी अप चाहिए, मेरे रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, या फिर मेरे से सब मेरा क्वालिफिकेशन हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गाइज वो आपके लिए मायने नहीं, मतलब जो भी आपके प्रोफाइल पे विजिट करने वाला है
उसके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती, वो तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है आपसे, वो मतलब आपका फिजिकल रिलेशनशिप, बाकी उससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ अगर कुछ लोगों को मतलब भी होता है तो हाँ वो टेम्प्ररी रहता है, अगर आपको परमानेंटली चाहिए तो आपके लाइफ पार्टनर का या फिर आपके प्रिंस चार्मिंग का आप वेट कीजिए और खुद में इम्प्रूव लाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि आगे फ्यूचर में आपके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी होगा और आप एक खुशहाल मतलब रिलेशनशिप जियोगे। सो गाइज आज जैसे कि मैंने 7 पॉइंट बताए आपको, इस पॉइंट के ऊपर आप ज़रूर गौर कीजिए और ज़रूर इसके ऊपर सोच विचार करके इसको अमल कीजिए। सो गाइज हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे, साथ ही साथ आप अगर चैनल पे नए हो तो अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी नेम है shu.arnab। सो गाइज हमारे अगले एपिसोड का ज़रूर वेट कीजिए, हम मिलते हैं ऐसे अगले मोटिवेशनल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप हमेशा हंसते रहिए, खुश रखिए दूसरों को भी और खुद भी खुश रहना सीखिए। सो गाइज बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।